वॉरेन बफेट इस सदी के सबसे पॉपुलर इन्वेस्टर हैं, जिन्हें करोड़ों लोग अपना आइडल मानते हैं और उनकी फिलॉसफी, ओपिनियंस और बातें इन्वेस्टिंग रिलेटेड काफी ज्यादा नॉलेजेबल एंड प्रैक्टिकल होती है। लेकिन हम सब दी वॉरेन बफेट को जानते हैं, जिनकी नेटवर्थ 104 बिलियन डॉलर्स है। शायद हम उस वॉरेन बफेट को नहीं जानते हैं जिसने 11 साल की एज से इन्वेस्टिंग करना शुरू किया था, कैसे उन्होंने अपने बिजनेस को इतना बड़ा बनाया जिसने यूएस की इकोनॉमी को ट्रांसफॉर्म कर दिया। इनकी स्टोरी काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग एंड एजुकेशनल है हर उस व्यक्ति के लिए जिसे लाइफ में कुछ बड़ा अचीव करना है और जो लोग इन्वेस्टिंग करके पैसिव इनकम जनरेट करना चाहते हैं। वॉरेन बफेट की नेटवर्थ 104 बिलियन डॉलर्स है, यानी 770,819 करोड़ रुपए। चलिए मान लेते हैं कि वो सारे पैसे वो इंडिया में डोनेट करने का सोच रहे हैं, तो अगर हम 770,819 करोड़ को 136 करोड़ इंडियन से डिवाइड करें, तो इंडिया के हर एक व्यक्ति को ऑलमोस्ट 5,600 रुपए मिलेंगे और बस ये एक व्यक्ति की पावर को दर्शाता है। इस वीडियो में आपको मैं डिटेल समरी देने जा रहा हूँ बहुत ही कमाल का बुक द स्नोबॉल वॉरेन बफेट एंड द बिजनेस ऑफ लाइफ, जिसे लिखा है एलिस शोडर ने। ऑथर एलिस शोडर बहुत ही ज्यादा रेपुटेड एंड वेल नोन इंश्योरेंस इंडस्ट्री एनालिस्ट थी और राइटर भी हैं, जो एमडी यानी मैनेजिंग डायरेक्टर थी मॉर्गन स्टैनली कंपनी में, जो एक इन्वेस्टमेंट बैंकिंग कंपनी है अमेरिका में। एलिस पहली बार वॉरेन बफेट से तब मिली जब उन्होंने डिटेल रिसर्च पब्लिश किया वॉरेन बफेट की कंपनी बर्कशायर हैथवे पे, और वॉरेन इतने ज्यादा इम्प्रेस हो गए इनके काम से और इनकी एक्सपीरियंस से, तब उन्होंने सामने से ऑफर किया कि आप मेरी सारी डिटेल्स ले सकती हो मेरी पर्सनल और बिजनेस लाइफ की, जिससे कि आप मेरी जर्नी जान सको अभी तक मैंने क्या क्या किया है। और इस बुक में वो सारी स्ट्रेटजीज और लेसन्स आपको सीखने को मिलेंगे जो आपको एक बेटर इन्वेस्टर और बिजनेसमैन जरूर बना देगा, अगर आप इस वीडियो को पूरा देख लेते हो तो। नमस्ते दोस्तों, आप सभी का स्वागत है बुक प्लो यूट्यूब चैनल पर, जहां पर हर हफ्ते आपको स्टॉक मार्केट, पर्सनल फाइनेंस एंड इन्वेस्टिंग रिलेटेड हाई क्वालिटी वीडियोस मिलती हैं, जो बुक से इंस्पायर्ड होती हैं। आज के इस वीडियो की तरह वॉरेन बफेट का जन्म नेब्रास्का, जो यूएस में है, वहां हुआ था अगस्त 20, 1930 में, और 1930s में ही द ग्रेट डिप्रेशन आया था जहाँ पर पूरी दुनिया की इकोनॉमी बिल्कुल क्रैश हो गया था। इनके पिता हावर्ड एक स्टॉक ब्रोकर थे जिन्होंने सिक्योरिटीज और बॉन्ड्स बेचकर उस क्राइसिस में भी अच्छे खासे पैसे बना लिए थे, और बहुत ही कंफर्टेबली इनका 1930s बीता, जो मैक्सिमम लोगों के लिए मुश्किल वाला दौर था। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि वॉरेन बफेट के लाइफ में कोई प्रॉब्लम थी ही नहीं। इनकी मदर लाइला शॉर्ट टेम्पर थी, जो अपना सारा फ्रस्ट्रेशन अपने बच्चों और अपने परिवार वालों पे उतारती थी और सब कुछ अपने बच्चों पे ही ब्लेम करती थी। फैमिली प्रॉब्लम्स के कारण वॉरेन बफेट एक स्केप ढूंढ रहे थे जिससे कि वो अपने घर से बाहर ही रहे। इसीलिए उनको अपना स्कूल बहुत ज्यादा प्यारा था, क्योंकि उन्हें अपने घर से छुटकारा मिलता था और साथ ही साथ उनका जो इंटरेस्ट था मैथमेटिक्स में, वो उनका फेवरेट सब्जेक्ट था, तो वो अपना काफी टाइम सिर्फ मैथ्स के प्रॉब्लम को ही सॉल्व करते थे। जब वो क्लास 1 में थे, तब वो अपने दोस्त रश के साथ वो कार्स के नंबर प्लेट्स को नोटबुक में लिखा करते थे, ये जानने के लिए कि ईच लेटर कितनी बार रिपीट हो रही है। उनका ये मानना था कि इससे वो पुलिस की हेल्प कर पाएंगे जब बैंक रॉबर्स रॉबरी करके भाग रहे होंगे, तो उनके लिए सिर्फ एक ही ऑप्शन बचता है, वो है रोड से भागने का, और इससे पुलिस को बहुत जल्दी पता लग जाएगा कि इनके ओनर्स कौन हैं। जिस दिन स्कूल बंद हुआ करता था और वीकेंड्स पे वो अपने पापा के ऑफिस में ही जाया करते थे, जहां पर वो डिफरेंट कंपनीज की स्टॉक प्राइस ऑफिस के बड़े ब्लैक बोर्ड में लिखा करते थे कि आज एक्स कंपनी का शेयर इतना गिरा है, और वो अपने पापा से रीजंस पूछा करते थे कि ऐसा क्यों हुआ है। उनका इंटरेस्ट बहुत ही कम उम्र से ही नंबर्स, प्रोबेबिलिटी, स्टैटिस्टिक्स जैसे सब्जेक्ट्स में आने लगा था, जिससे उन्हें अपने फैमिली से काफी ज्यादा सपोर्ट भी मिलता था। वॉरेन बफेट के ग्रैंडफादर ने उन्हें एक बेसबॉल स्टैटिस्टिक्स का बुक उन्हें गिफ्ट किया, जिससे वॉरेन बफेट बहुत ज्यादा खुश हो गए थे, और दिन में वो घंटों उस बुक को पढ़ा करते थे और एक एक पेज को याद करने की कोशिश करते थे। तो लेसन नंबर 1 है इस बुक का, वॉरेन बफेट लव्ड स्टैटिस्टिक्स एंड नंबर्स, यानी अगर आपको भी एक सक्सेसफुल इन्वेस्टर बनना है तो आपको इंटरेस्ट बिल्ड करना पड़ेगा नंबर्स से, स्पेशली पैसों से, क्योंकि अगर आप इंटरेस्ट ही बिल्ड नहीं करोगे पैसों के रिलेटेड, तो आपको कंपनीज में भी इंटरेस्ट नहीं आएंगी जो इतने पैसे कमा रही है, और इसीलिए आप स्टॉक मार्केट से थोड़ा दूर ही रहोगे क्योंकि आपको इंटरेस्ट है ही नहीं। वॉरेन बफेट ऐसे ही लाइब्रेरी में कुछ रीड कर रहे थे, तभी उन्हें एक बुक दिखी बुक शेल्फ पे, 1000 ways to make $1000, यानी उस बुक में 1000 तरीके लिखे थे जिससे कि उस टाइम में आप $1000 कमा सकते थे।
पर उस जमाने में $1,000 की वैल्यू आज के $100,000 के बराबर है। जब उन्होंने उस बुक को खत्म किया तो वो सिर्फ 10 साल के थे और उन्होंने अपने फ्रेंड को कहा कि 35 साल की उम्र से पहले मैं एक मिलियनेयर बन जाऊंगा। इससे पहले भी वो च्युइंगम और कोक की बॉटल्स बेचा करते थे अपने नेबर्स को और इवन फुटबॉल गेम्स में वो मूंगफली भी बेचा करते थे यूनिवर्सिटी ऑफ ओमाहा में। और ऐसा करके उन्होंने कुल $120 सेव कर लिया था। और उन्होंने 11 साल की उम्र में अपना पहला इन्वेस्टमेंट किया सिटीज सर्विसेज नाम की कंपनी में, जो एक नेचुरल गैस कंपनी थी। उन्होंने उस कंपनी के 6 शेयर्स खरीदे, 3 अपने लिए और 3 अपनी बहन के लिए। हाई स्कूल में उन्होंने गोल्फ बॉल्स बेची और पिन बॉल मशीन्स खरीदा और उसे बार्बर शॉप्स में इंस्टॉल करके रेंटल इनकम भी जनरेट किया। होता ये था कि बार्बर शॉप्स में लंबी लाइन लगती थी और उस वक्त ना टीवी था और ना ही कोई इंटरटेनमेंट का सोर्स, इसीलिए उन्होंने बार्बर शॉप ओनर्स को कहा कि मुझे आप ये मशीन इंस्टॉल करने दो जिससे कि जो आपके कस्टमर्स इस गेम को खेलेंगे लाइन में लगने के कारण, तो उनका कुछ परसेंटेज मैं आपको दूंगा और कुछ मैं अपने लिए रखूंगा। इसमें दोनों का फायदा हुआ। उसके बाद उन्होंने घर घर जाकर पेपर डिलीवर करना शुरू किया जिससे उनका इनकम पर मंथ $175 कमा रहे थे, जो उस वक्त उनके टीचर्स कमा रहे थे एज अ मंथली सैलरी, उससे भी वो ज्यादा कमा रहे थे सिर्फ 14 साल की उम्र में। तो जो दूसरा लेसन जो मैंने इस बुक से सीखा वो है, वॉरेन बफेट स्टार्टेड अर्निंग एंड इन्वेस्टिंग एट अ यंग एज। और अगर आपको एक अच्छा इन्वेस्टर बनना है तो आपको भी कोशिश करनी है कि जितनी जल्दी हो सके आप अर्निंग करना शुरू करो, क्योंकि इससे आप जल्दी इन्वेस्ट भी कर पाएंगे। साथ ही साथ अगर आप अभी यंग हैं तो एक साइड हसल आपको शुरू करनी चाहिए जिससे जो भी पैसे आए उसे आप खुद मैनेज करो और हो सके तो कुछ परसेंटेज आप इन्वेस्ट भी करो। अगर हम क्विक रिकैप करें तो पहला लेसन हमने सीखा कि कैसे हमें नंबर्स में अपना इंटरेस्ट बढ़ाना चाहिए। आप इसकी शुरुआत ऐसे कर सकते हो कि आप गूगल पे जाके ये टाइप करो कि वो कौन सी कंपनीज है जिसने इस साल सबसे ज्यादा प्रॉफिट कमाया है और कितना कमाया है। दूसरा लेसन में हमने सीखा इम्पोर्टेंस ऑफ अर्निंग अर्ली एंड इन्वेस्टिंग अर्ली, यानी जल्दी पैसे कमाना शुरू करना और साथ ही साथ जल्दी पैसे इन्वेस्ट करना, ये बहुत ही क्रूशियल है अगर आपको एक बढ़िया इन्वेस्टर बनना है और लॉन्ग टर्म तक आपको अगर पैसे कमाने हैं। तो वॉरेन बफेट को पैसों और नंबर्स में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट था, ये हम सभी ने जान लिया, और उनके क्लासमेट्स उन्हें फ्यूचर स्टॉक ब्रोकर हमेशा से कहते आ रहे हैं। और आफ्टर स्कूल उन्होंने अपने पैशन के ऊपर ही पढ़ाई की, यानी उन्होंने यूनिवर्सिटी ऑफ नेब्रास्का में अकाउंटिंग एंड बिजनेस प्रोग्राम को चूज किया। वहां से ग्रेजुएट होने के बाद उन्होंने हार्वर्ड बिजनेस स्कूल में अप्लाई किया लेकिन उन्हें रिजेक्ट कर दिया गया। इसके पीछे भी एक डेस्टिनी का खेल है, कोलंबिया यूनिवर्सिटी में उनका एप्लीकेशन एक्सेप्ट हो गया और उन्हें ये जानकर बहुत खुशी हुई बेंजामिन ग्राहम जो ऑथर है द ग्रेटेस्ट बुक ऑफ ऑल टाइम द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर की, ये वही व्यक्ति हैं जिसे वॉरेन बफेट एडमायर करते थे। और उनके साथ ही साथ डेविड डॉड भी उनके क्लास लेने वाले थे जिन्होंने सिक्योरिटी एनालिसिस जैसी कमाल की बुक लिखी है जिसे वॉरेन बफेट ने एक एक पेज को मेमोराइज किया था। इन दोनों मेंटर्स से वॉरेन बफेट ने फंडामेंटल इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी सीखी जिसमें किसी भी कंपनी की इंट्रिंसिक वैल्यू को कैलकुलेट करना सीखा था, किसी भी कंपनी को टॉप टू बॉटम एनालाइज करने से इंट्रिंसिक वैल्यू निकल जाएगा, जिसका मतलब है कि वो कंपनी की शेयर्स की एक्चुअल वर्थ क्या है, और परसीव्ड वैल्यू यानी लोग क्या सोचते हैं इसकी वैल्यू कितनी होनी चाहिए से आपको ये आइडिया हो जाएगा कि क्या ये अंडर प्राइज्ड है या फिर ये ओवर प्राइज्ड है। जैसा कि आप इस ग्राफ में देख सकते हो जहां पर एक तरफ है वैल्यू और एक तरफ है टाइम, जो बीच से जो लाइन गुजरता है उसी को बोलते हैं इंट्रिंसिक वैल्यू यानी रियल वैल्यू। जब किसी भी स्टॉक का प्राइस इस लाइन के ऊपर रहता है तो वो ओवर प्राइज होता है और अगर इस लाइन के नीचे होता है तो वो अंडर प्राइज होता है। बेंजामिन ग्राहम ये कहते हैं कि हमें सबसे पहले किसी भी कंपनी की इंट्रिंसिक वैल्यू कैलकुलेट करनी चाहिए और अगर वो अंडर प्राइज है तो उसमें इन्वेस्ट करना चाहिए जिससे हमें मैक्सिमम रिटर्न मिलेगा। इंट्रिंसिक वैल्यू कैलकुलेट करना इजी नहीं है, इस पर मैं सेपरेट वीडियो बनाऊंगा जहां पर मैं डिटेल में समझाऊंगा कि किसी भी कंपनी की इंट्रिंसिक वैल्यू को कैसे कैलकुलेट करते हैं। लेकिन अभी के लिए लेसन नंबर 3 है, वॉरेन बफेट लर्नड अबाउट स्टॉक मार्केट इन्वेस्टिंग फ्रॉम बेस्ट टीचर्स। इसीलिए हम किससे सीखते हैं ये हमारे करियर में बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर वॉरेन बफेट अपने मेंटर से नहीं मिलते तो मे बी वो आज इतने सक्सेसफुल नहीं होते। लेकिन एक बात और है कि वॉरेन बफेट मे बी बहुत पैशन था जिससे उन्होंने फुल्ली अपने टीचर्स के मेथड को
रियल लाइफ में यूज किया। वैसे वॉरेन अपने कॉलेज डेज में बहुत ज्यादा शाई हुआ करते थे, स्पेशली गर्ल्स के साथ। वो अपने आप को इतना शाई समझते थे कि उन्हें ये लगता था कि ये एक बीमारी है, और इसीलिए उन्होंने एक पब्लिक स्पीकिंग क्लास भी ज्वाइन किया था उनके कॉन्फिडेंस को बूस्ट करने के लिए। एक स्पेसिफिक गर्ल थी उनके कॉलेज में जिसे उन्हें इम्प्रेस करना था, उनका नाम था सूजी थॉम्पसन। लेकिन कुछ ही महीनों में ये दोनों ही एक दूसरे के प्यार में पड़े और उन्होंने शादी भी की, और साथ ही साथ वो क्लासेस भी देते थे और अपनी डैड की इन्वेस्टमेंट कंपनी को भी संभालते थे। जब इनकी पहली बेटी ने जन्म लिया 1953 में, जिनका नाम है सूजी एलिस बफेट, उसी साल वॉरेन बफेट अपने मेंटर बेंजामिन ग्राहम्स की इन्वेस्टिंग कंपनी में भी काम करना शुरू कर दिया, जो उनके लिए ड्रीम जॉब था, क्योंकि बेंजामिन ग्राहम शुरुआत में इन्हें अपनी कंपनी में ऐड नहीं करना चाहते थे। लेकिन ये ड्रीम जॉब बहुत ही जल्दी स्ट्रेसिंग जॉब में बदल गया वॉरेन बफेट के लिए। उन्होंने ये तय किया कि उन्हें स्टॉक ब्रोकर तो नहीं बनना है, और उन्होंने अपने दूसरे चाइल्ड हाउवी ग्राहम बफेट के जन्म के बाद अपना खुद का बिजनेस खोला 1956 में, जिसका नाम था बफेट एसोसिएट लिमिटेड। अपने पहले साल में बफेट एसोसिएट ने कुल 8 पार्टनरशिप की, जो मोस्टली उनके फ्रेंड्स थे, और उन्होंने $50,000 से $1,20,000 तक इन्वेस्ट करने को कहा। लेकिन वॉरेन बफेट का सिंपल सा फिलॉसफी था, वो सिर्फ अंडरवैल्यूड स्टॉक्स में ही पैसे लगाते थे, और जो भी वो कमाते थे उसे फिर से रीइन्वेस्ट कर देते थे सेम स्टॉक्स में। जैसे जब माउंटेन से एक स्नो गिरता है तो शुरुआत में जब वो रोल करना शुरू ही करता है तो उसका साइज बहुत छोटा होता है, वो और रोल करता है तो स्नो का साइज भी बड़ा होने लगता है और उसका इम्पैक्ट भी बड़ा होता है। और यही है स्नोबॉल इफेक्ट, जिसमें वॉरेन बफेट बहुत बिलीव करते थे, जो बेसिकली है कंपाउंडिंग इंटरेस्ट। उन्होंने ये मेक श्योर किया कि नो मैटर कुछ भी हो जाए, मैं अपने स्टॉक्स को सेल नहीं करूंगा, इवन अगर वो एक टारगेट को हिट कर जाए, बल्कि मैं लॉन्ग टर्म तक उसमें पैसे इन्वेस्ट करता रहूंगा। और इनकी ये स्ट्रेटेजी काम भी आई। 1956 के एंड तक उनकी कंपनीज के पार्टनर ने 4% से मार्केट को बीट किया। उसके एक साल बाद यानी 1957 के एंड में उनकी कंपनी और उनके पार्टनर्स ने 10% से मार्केट को बीट किया। 1960 में वॉरेन बफेट की कंपनी को स्नोबॉल इफेक्ट का फायदा मिला, यानी उन्होंने 29% से मार्केट को बीट किया था, और ऐसा ये बढ़ते जा रहा था। यही है लेसन नंबर 4 इस बुक का, वॉरेन बफेट यूज्ड द पावर ऑफ कंपाउंडिंग। अगर आपको बेहतर इन्वेस्टर बनना है तो आपको कोई भी अंडर वैल्यू स्टॉक्स को ढूंढकर उस पे इन्वेस्ट करना चाहिए, और उससे आप जो भी अर्न करोगे उसे री इन्वेस्ट करना चाहिए। और एक चीज आपको ये नोट करनी चाहिए कि वॉरेन बफेट की वन ऑफ द बिगेस्ट स्किल है वो है उनकी पेशेंस। तो हमें भी लॉन्ग टर्म के बारे में सोचकर इन्वेस्ट करना चाहिए, क्योंकि चाहे वो स्नोबॉल इफेक्ट हो या कंपाउंडिंग, इसमें थोड़ा टाइम तो लगता है। क्विक रिकैप करें तो लेसन नंबर 1 में हमने सीखा कि आपको नंबर्स और पैसों में अपना इंटरेस्ट बिल्ड करना चाहिए अगर आपको स्टॉक मार्केट से पैसे कमाने हैं तो। दूसरा लेसन था, आपको जल्दी पैसे कमाना शुरू करना है जिससे कि आप जल्दी इन्वेस्टमेंट करना भी शुरू कर सको। और ये बहुत ही ऑब्वियस सी बात है कि अगर आपके पास पैसे ही नहीं रहेंगे तो आप कहां से इन्वेस्ट करेंगे। इसीलिए ऑथर रेकमेंड करते हैं कि आप जितना जल्दी हो सके, चाहे वो अमाउंट छोटा ही क्यों ना हो, लेकिन आप अर्न करना शुरू कर दो। तीसरा लेसन हमने सीखा कि कैसे वॉरेन बफेट ने अपने मेंटर्स से कितना कुछ सीखा और उसे अपनी लाइफ में यूज भी किया। यानी सही मेंटर ढूंढना सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। आप किसे अपना आइडल मानते हो, ये कहीं ना कहीं आपके करियर में जरूर इम्पैक्ट डालेगा। चौथा हमने सीखा द पावर ऑफ कंपाउंडिंग, जिससे कि आप जो इंटरेस्ट गेन करते हो उसे आपको री इन्वेस्ट करना है, जिससे कि आपको लॉन्ग टर्म में ज्यादा रिटर्न मिले। अभी तक हमने वॉरेन बफेट के लाइफ के बारे में काफी कुछ सीख लिया है, और अभी हम और भी बहुत कुछ सीखने वाले हैं। इसीलिए मुझे बायोग्राफी पढ़ना बहुत अच्छा लगता है। बेसिकली आप सक्सेसफुल लोगों की पूरी जिंदगी से ना जाने कितना कुछ सीख सकते हैं, और उसे अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करके अपनी लाइफ को बेहतर कर सकते हैं। लेकिन टाइम की कमी के कारण मैं वो सारी बुक्स नहीं पढ़ पाता हूँ जो मुझे पढ़ना है। इसीलिए ऑडियो कंटेंट कंज्यूम करना बहुत अच्छा है जब आप ट्रैवल कर रहे हो या वर्कआउट कर रहे हो। इससे आपका वो काम तो इजी हो ही जाता है, और साथ ही साथ आप बहुत कुछ सीख भी जाते हो। इसीलिए मैं कुकू FM को यूज करता हूँ, जहाँ पर आपको हजारों बुक समरीज अवेलेबल है। इवन मेरी पर्सनल फेवरेट बुक्स जैसे कि रिच डैड पुअर डैड, पावर ऑफ हैबिट, द क्रिएटर्स कोड जैसी बुक्स की भी समरीज आपको यहाँ पे मिलती है। मुझे पर्सनली बायोग्राफी पढ़ना अच्छा लगता है, जिनमें से मेरा टॉप फेवरेट है बिल गेट्स, स्टीव जॉब्स, स्वामी विवेकानंद जैसी कई आपको बायोग्राफी आपको यहाँ मिल जाती है जिसे आप सुन सकते हैं। कुकू FM का प्रीमियम का प्लान काफी ज्यादा अफोर्डेबल है कंपेयर करें जिस तरीके का कंटेंट आपको यहाँ मिलता है।
फिलहाल उनका प्राइसिंग है 399 पूरे साल के लिए, लेकिन अगर आप BP20 कोड का यूज करेंगे तो आपको 20% का डिस्काउंट मिलेगा, यानी 80 रुपीज का। 319 रुपीज पे करना है, जो एवरीडे 1 रुपए से भी कम है पूरे साल के लिए। ये काफी वर्थ दी मनी है। जिस तरीके का कंटेंट, जैसे कि सेल्फ इम्प्रूवमेंट, बुक समरीज, पॉडकास्ट, इन तरीके के प्रीमियम कंटेंट आपको प्रोवाइड करता है। डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में कुकू एफएम का डाउनलोड लिंक दिया हुआ है, जहां से आप इस ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। वॉरेन बफेट की जिंदगी में अब एंट्री हुई थी चार्ली मंगर की, जो बाय प्रोफेशन लॉयर थे और पार्ट टाइम इन्वेस्टर थे, और दोनों की सोच काफी ज्यादा मिलती थी। ये चार्ली मंगर ही थे जिन्होंने वॉरेन बफेट को ये समझाया कि आप अंडर वैल्यू स्टॉक्स पे तो इन्वेस्ट करो ही, लेकिन साथ ही साथ आपको और भी अपॉर्चुनिटीज ढूंढनी चाहिए जिससे कि आपका वेल्थ बढ़े। जॉन एफ कैनेडी, जो यूएस के 35th प्रेसिडेंट थे, जिनका असैसिनेशन हुआ था 1963 में, और उसके साथ ही साथ एक बहुत बड़ा स्कैंडल भी हुआ था जिसमें अमेरिकन एक्सप्रेस इन्वॉल्व थे। सोयाबीन ऑयल को एक्सपोर्ट कर रहे थे बहुत ही लार्ज कंटेनर में, लेकिन कुछ कंटेनर में ऑयल की जगह ओशन का खारा पानी था। इसका रिजल्ट ये हुआ कि अमेरिकन एक्सप्रेस कंपनी के स्टॉक्स को बहुत बड़ा हिट मिला, लेकिन वॉरेन बफेट जो इसमें ऑलरेडी थोड़ा इन्वेस्टेड थे, उन्होंने जरा सा भी पैनिक नहीं किया, क्योंकि उन्हें पता था कि अमेरिकन एक्सप्रेस बाउंस बैक जरूर करेगी। और जनवरी 1964 तक वॉरेन बफेट ने $3 मिलियन अमेरिकन एक्सप्रेस में इन्वेस्ट किया। 1966 तक उन्होंने $13 मिलियन तक अमेरिकन एक्सप्रेस में इन्वेस्ट कर दिया था। और हालांकि बहुत लोग इन्हें क्रिटिसाइज भी कर रहे थे कि आप एक डूबती कंपनी में क्यों पैसे लगा रहे हो, लेकिन अमेरिकन एक्सप्रेस ने बाउंस बैक तो किया ही, लेकिन इतनी अच्छी तरीके से बाउंस बैक किया कि उनके स्टॉक प्राइस आसमान छू गए, जिसके कारण वॉरेन बफेट की इन्वेस्टेड वैल्यू इतनी बढ़ गई, उन्होंने अब बिजनेसेस को खरीदने का सोचा। एक स्मॉल मैसाचुसेट टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरिंग, जिसका नाम था बर्कशायर हैथवे, जो वॉरेन बफेट के ब्रांड से ही जाना जाता है आज, उन्होंने उसे खरीद लिया। 1965 में वॉरेन बफेट ने रिसर्च किया और उस कंपनी की इंट्रेंसिक वैल्यू कैलकुलेट किया, और वो था $22 मिलियन। और उन्होंने ये भी कैलकुलेट किया कि उनका एक शेयर एटलीस्ट $19 का बिकना चाहिए, लेकिन वो $7.50 में बिक रहा था। तो जो उन्होंने 11 साल की एज में डिसाइड किया था कि मैं 35 इयर्स से पहले एक मिलियनेयर बन जाऊंगा, ऐसा उन्होंने टाइम से पहले ही करके दिखाया। तो ये था लेसन नंबर 5, जिसमें हमने ये सीखा, वॉरेन बफेट स्टार्टेड एक्सप्लोरिंग न्यू बिजनेस अपॉर्चुनिटीज। यानी अगर वो चाहते तो ऐसे ही स्टॉक्स पे फोकस कर सकते थे पूरी जिंदगी, लेकिन चार्ली मंगर ने उन्हें ये समझाया कि आपको अपना कंफर्ट जोन के बाहर जाना पड़ेगा, जहां पर कि आपको सबसे ज्यादा रिटर्न मिलता है। इसीलिए अगर आप अभी तक नर्वस है स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने के लिए, तो आपको शुरुआत जरूर करनी चाहिए, क्या पता फ्यूचर आपके लिए ब्राइट हो। तो चलिए अब हम कुछ गोल्डन इन्वेस्टिंग रूल सीखते हैं जो वॉरेन बफेट फॉलो करते हैं, जिसे हम भी फॉलो कर सकते हैं अगर हमें लॉन्ग टर्म में ज्यादा रिटर्न अचीव करना है। तो रूल नंबर 1, जो वॉरेन बफेट ये कहते हैं कि माय नंबर 1 रूल इज नेवर लूज मनी, नंबर 2 रूल इज नेवर फॉरगेट रूल नंबर 1। यानी आपको कभी भी अपने पैसे लूज नहीं करने हैं स्टॉक मार्केट में, यहाँ आप गैम्बल नहीं कर सकते, आपको थोड़ा टाइम अपनी एजुकेशन और एक्सपीरियंस में देना ही पड़ेगा। रूल नंबर 2 है, इफ द बिजनेस डज वेल द स्टॉक Eventually follows। यानी अगर एक कंपनी अच्छा परफॉर्म करेगी तो उसका स्टॉक्स भी अच्छा परफॉर्म करेगा। इसीलिए अगर आपको एक इन्वेस्टर बनना है तो आपको कंपनीज की बिजनेस ऑपरेशंस, मिशन, विजन, लीडरशिप, ये सारी चीजें आपको देखनी पड़ेगी और उसे एनालाइज करना पड़ेगा। बेसिकली आप जब किसी कंपनी में अपने पैसे इन्वेस्ट करते हो तो आप उस कंपनी का कुछ परसेंटेज ओन करते हो, यानी वो कंपनी आपकी भी हुई। अगर आप ऐसा माइंडसेट रखोगे तो मार्केट ट्रेंड से आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। रूल नंबर 3 एंड आखिरी रूल है, far better to buy a wonderful company at a fair price than a fair company at a wonderful price। Warren Buffett एक value investor है, जिन्हें पसंद है कि वो quality stocks को खरीदे जब उनका शेयर कम रेट में बिक रहा हो। उनका हमेशा से रियल गोल यही रहा है कि अपनी कंपनी बर्कशायर हैथवे की ऑपरेटिंग पावर को बिल्ड करे स्टॉक्स को खरीद के, जो उनके लिए सॉलिड प्रॉफिट और कैपिटल एप्रिसिएशन दे सालों तक। जब 2007 एंड 8 में फाइनेंशियल क्राइसिस आया था तो वॉरेन बफेट उस वक्त लॉन्ग टर्म के लिए स्टॉक्स को अपने पोर्टफोलियो में ऐड कर रहे थे, और वो बिलियंस ऑफ डॉलर्स उन कंपनीज पे लगा रहे थे जो बहुत ही अच्छा परफॉर्म कर रही है बहुत सालों से, जैसे कि जनरल इलेक्ट्रिक, गोल्डमैन सैच, ऐसे कंपनीज में उन्होंने इन्वेस्ट किया। इसीलिए मेरा रिकमेंडेशन आपके लिए यही रहेगा कि आप मार्केट ट्रेंड को देखकर स्टॉक मार्केट में ना आए, बल्कि आप एक इंटरेस्ट बिल्ड करें और फिर इसके अंदर आए।
तो आज के वीडियो के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो आप मेरी और भी दो वीडियोस देख सकते हैं जो मैं आपको रेकमेंड करूंगा, जिससे कि आपकी फाइनेंशियल नॉलेज और अच्छी हो जाएगी। पहला रिकमेंडेशन है साइकोलॉजी ऑफ मनी, दूसरा है इंडेक्स फंड इन्वेस्टिंग। ये दोनों ही बिगिनर्स लोग के लिए बहुत ही कमाल की बुक है और इससे आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। मेरा मिशन इस चैनल से यही है कि मैं इंडिया में 10,000 लोगों की हेल्प करूं उन्हें फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव करने में। और हमारा प्यारा भारत पूरे विश्व का सबसे सक्सेसफुल देश बने वो तभी हो पाएगा जब लोगों में फाइनेंस की नॉलेज एंड स्किल होगी, और मेरा चैनल इसी के ऊपर है। तो मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप रीडिंग, कीप ग्रोइंग, और कुकू FM ऐप को जरूर डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में दिए गए लिंक से डाउनलोड भी करिए। प्रीमियम मेंबरशिप से आप प्रीमियम कंटेंट को कंज्यूम करिए और अपनी लाइफ बदलिए।